और इंडिया कॉलिंग उनमें से किसी में नहीं था। काम तो हुआ, अपॉइंटमेंट लेके ही आना पड़ेगा, आज कोई अकाउंट खुलवाने वाला हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हाय गाइस, आज हम तीन काम निपटाने वाले हैं। पहला काम रहने वाला है हमारा यहाँ की सिम लेने का, दूसरा काम रहने वाला है सिम नंबर लेने का, और तीसरा काम करेंगे भैया CIBC में अकाउंट खुलवाने का। हालांकि CIBC में वो ऐसे ही अकाउंट नहीं खोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आना होता है। तो कोशिश करते हैं वहाँ पे जाके उनसे बात करने की, अगर वो अपॉइंटमेंट देते हैं या आज ही काम कर देते हैं। वो सारा सब कुछ बताऊंगा और कहाँ कहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सारा सब कुछ आगे आपको वीडियो में बताएंगे। हालांकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, पासपोर्ट, स्टडी वीज़ा, कॉलेज ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ A to Z ले लिया है, और फिर आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा लगा। तो यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जॉर्जन मॉल है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो चल के जाने की इच्छा नहीं हो रही, ये देखो बस स्टॉप है यहाँ पे, अभी 6A नंबर की बस आने वाली है लगभग 7-8 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और बस का वेट करते हैं। बस पास मेरे पास है नहीं तो कैश पे चलेंगे, और कैश का कैसे क्या सिस्टम रहता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, ये टोकन हमको मिला है, उनके भैया के पास चेंज नहीं था तो $4 का उन्होंने ट्रांसफर दे दिया। अभी इसमें बजाय देखो 11:02 तक मैं पूरे बैरी में कितनी भी बार ट्रैवल कर सकता हूँ, इसको टैप कर सकता हूँ उस मशीन के ऊपर। तो गाइस, जॉर्जन मॉल के यहाँ पे आ गए, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो ये एंट्री गेट है। अंदर जाके चेक करते हैं कि हमको सिम कौन कौन सी मिलती है, कौन कौन से ऑप्शन, और सबसे सस्ती कौन सी मिलती है स्टूडेंट के लिए। चलिए अंदर चल के बताता हूँ। किसी भी एंट्रेंस में जाओ, किसी भी मॉल में, ऐसे दो गेट मिल जाएंगे आपको, ताकि ठंड अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सके, इंसुलेट कर सके ठंड को। यह बंद कहाँ हो रहा है, मेरे को अंदर जाना है। ये आ गए मॉल के अंदर। इस मॉल में आ गए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इसमें हमने देखा, ये तो कोई और चला के चला गया। इसमें हमने देखा कि भैया कहाँ मिलेगा हमको सिम। हमको देखना है, एक तो बेल तो बहुत महंगा है, फिडो का देखेंगे, और एक वर्जिन वाला अगर मिल जाता है तो वर्जिन, ये दोनों देख लेते हैं। वर्जिन बता रहा है नीचे वाले फ्लोर पे, और अपना फिडो भी बता रहा है नीचे वाले फ्लोर पे, अभी मैंने देख लिया था, फिडो भी है नीचे वाले फ्लोर पे। चलिए चलते हैं। वर्जिन प्लस का तो प्लान मिल रहा है $67 का, 20 GB और अनलिमिटेड कॉल, और वो बोल रहा था स्टूडेंट के लिए सिर्फ ये डिस्काउंट है कि $25 आपके एक्टिवेशन लगेंगे, बाकी 50 लगते हैं। तो अभी चलते भाई फिडो में, मैंने सुना है कि फिडो थोड़ा सस्ता है। फिडो में भी प्लान बहुत महंगे थे भाई, $62 में 20 GB मिल रहा था, $50 एक्टिवेशन। यही मैं इंडिया से ले लेता तो $40 लगते मेरे पर मंथ 20 GB के, और कोई एक्टिवेशन फीस नहीं थी। गाइस, रोजर्स का प्लान पड़ रहा था $65 पर मंथ 25 GB का, और एक्टिवेशन चार्ज नहीं था। तो अभी चलते हैं बेल और वहाँ पे लास्ट पता कर लेते हैं। तो गाइस, ये बेल का ऑफिस आ गया, इसमें पूछते हैं चलिए क्या प्लान है स्टूडेंट के लिए। गाइस, बेल से भी कुछ सौदा बैठा नहीं भाई, $60 है महीने के 15 GB के, और $50 एक्टिवेशन। और क्या करें भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। इंडिया से सिम लेके आना चाहिए था, सबसे बड़ी गलती मैंने ज़िंदगी की यही की है कनाडा आने से। इंडिया से आते वक्त अगर कोई गलती की है तो वो यही है। अभी मैं सोच रहा हूँ फिडो में जाता हूँ और वहाँ से प्रीपेड वाली उठा लेता हूँ, $55 वाली, उसमें कोई एक्टिवेशन नहीं था, और उसके बाद उसको एक महीने बाद स्विच करवा सकते पोस्टपेड में, उसका भी कोई स्विचिंग चार्जेस नहीं लगेगा। मेरे को सबसे बेस्ट तो ये ऑप्शन लग रहा है। तो गाइस, फाइनली फिडो का सिम ले लिया है, और $55 वाला प्लान था, मैंने सोचा कि पहले प्रीपेड ही ले लेते हैं क्योंकि उसका कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं है, और उसको है ना पोस्टपेड में कभी भी कन्वर्ट करवा सक रहे हो, उसका भी कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइस, मॉल में से आ गए हैं, सबवे में हमने खा लिया था एक बर्गर जैसा कुछ, $9.5 का कुछ पड़ा, और आप लोगों ने देखा कि भैया फिडो का हमने सिम ले लिया, प्रीपेड प्लान लिया है, $55 में 12 GB मिला हमको, और अनलिमिटेड कॉलिंग मिला है कनाडा वाइज, और इसको फिर पोस्टपेड में करा देंगे तो $55 में अपने को 20 GB मिल जाएगा। और नॉर्मली अगर डायरेक्ट पोस्टपेड ले रहे थे तो $67 कुछ पड़ रहा था पर मंथ का 20 GB का प्लान। तो हमने सोचा कि भैया इसको है ना पहले प्रीपेड ले लेते, फिर पोस्टपेड करवा देंगे और अपना काम हो जाएगा। ऐसा कुछ सौदा बैठा है अपना, यहाँ से CIBC जा रहे हैं, CIBC सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर यहाँ से चल के जाते हैं, और बताता हूँ कि वहाँ पे अपना लॉक अकाउंट का सिस्टम कैसे क्या रहता है, हो जाता है आज ही
या वो लोग अपॉइंटमेंट देते हैं या क्या करते हैं। उसके बाद जाएंगे सर्विस कनाडा, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क करने अपना, और वहाँ पे जाके देखेंगे अपने को सिन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं। डोनल्ड्स दिख रहा है पीछे, देखो वॉलमार्ट दिख रहा है, और उसी के पास डॉलर आमाम भी दिख रहा है अगर ध्यान से देखो तो। चलिए पहले अपना काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं भैया ग्रोसरी वगैरह कहाँ से लेना है। तो भाई CIBC का कुछ काम तो हुआ नहीं, भैया ने बोला कि मतलब अंदर एक मैडम थी, उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट लेके ही आना पड़ेगा, आज कोई अकाउंट खुलवाने वाला हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और आज है 26 तारीख, अपॉइंटमेंट मिल रही है 3 या 4 मई की। तो मैंने सोचा भैया घर पे जाके खुद ही बुक कर दूंगा, ऑनलाइन बुक करने का भी ऑप्शन है। जितनी भी ब्रांच है CIBC की यहाँ पे बैरी में, उनमें से जो भी सबसे क्लोजेस्ट होगी वहाँ पे बुक कर देंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं यहाँ से सर्विस कनाडा, देखते हैं कैसे जाना है, बस से जाना है, चल के जाना है, और वहाँ पे जाके सिन नंबर लेके आ गए थे फटाफट से। तो आज दो काम हो जाएंगे हमारे, एक सिम लेना और एक सिन नंबर लेना। चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस चलते चलते आगे बैरी का तालाब, अपने वहाँ तालाब ही बोलते हैं ना। पीछे देखो भाई साहब क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस अपना बैरी लेक रह गया उस साइड, और हमको जाना है इस गली के अंदर सर्विस कनाडा के लिए। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़ा सा जॉर्जियन क्यों लिखा है, चलिए चलते हैं। तो सर्विस कनाडा के बाहर आ चुके हैं, पास में स्कोशिया बैंक है, और अंदर जाके बताता हूँ कैसा क्या रहता है। हाँ जी गाइस, तो सीन नंबर अपने को मिल गया है, और अंदर प्रोसीजर क्या रहा वो आपको बताता हूँ। पीछे का व्यू यहाँ पे अच्छा है, तो सोचा यहाँ पे बैठ के बात कर लेते हैं आप लोगों से कैसे क्या प्रोसीजर रहा। तो भैया अंदर गया और इंफॉर्मेशन वाली लेडी ने पूछा क्या काम है। मैंने बोला भैया सीन नंबर चाहिए, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि स्टूडेंट इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं उसको या सोशल इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं। तो भैया उसने बोला कि ठीक है अंदर जाओ, आपको कैबिन में बुलाया जाएगा, इस सीट पे बैठो। जैसे ही मैं सीट पे बैठने लगा, अंदर कैबिन से एक बंदे ने बुलाया कि राहुल, मतलब एक्चुअली यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाले ने नाम पूछ लिया था, तो उसने कंप्यूटर में एंटर कर दिया और अंदर उसने बोला राहुल। मैंने बोला हाँ मैं राहुल। तो फिर गया, उसने बोला कैन आई हैव अ लुक ऑन योर पासपोर्ट एंड स्टडी परमिट प्लीज। उसको पासपोर्ट और स्टडी परमिट दिखाया, और फिर उसने बोला कि आपकी मदर का नाम क्या था मैरिज से पहले। तो भैया मैरिज से पहले तो मतलब नाम तो सेम था, से अभी मान लो कि किसी की मदर का नाम है नेहा खंडेलवाल अभी है, और पहले था नेहा चौधरी, लेकिन नेहा चौधरी का अगर कोई प्रूफ नहीं है कि नेहा चौधरी था, जैसे मेरा सरनेम है मीनारिया, तो मैंने बोला कि मदर का नेम मीनारिया ही था पहले भी। तो उसने फिर मदर का नेम पूछा, स्पेलिंग एक के बाद एक डिक्टेक की, और फादर का भी पूछा, दोनों का कर दिया। उसने बोला कि तो तुम्हारी फैमिली में और कोई दूसरे सरनेम का नहीं है? मैंने बोला नहीं, और कोई दूसरे सरनेम का नहीं है, सबका सरनेम यही है। और फिर उसने बोला ओके वेट फॉर अ मोमेंट, और वो बाहर गया और पेपर प्रिंट करके ले आया। तो गाइस आप कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट का कुछ भी काम करने जाओ, तो एक टिप है, एक ऐसी फाइल बना के ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि भाई आपको पता नहीं है कि कब कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। अभी तो उसने खैर पासपोर्ट और स्टूडेंट परमिट ही मांगा, लेकिन हो सकता था वो ऑफर लेटर मांग ले, कुछ भी मांग ले। इसलिए मैं तो जब भी निकलता हूँ तो गाइस ऐसा ही एक फोल्डर लेके चलता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे अपने को। फिर उसने स्टडी वो सिन नंबर हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डेटा, सो डोंट शेयर इट विथ एनीवन एंड कीप इट सेफ। और फिर एक बुकलेट पकड़ाई, बोला कि इसको आप पढ़ लेना कि किसके साथ शेयर करना चाहिए, किसके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकि आपके साथ स्कैम ना हो और इसका कोई मिसयूज ना कर सके। तो सिन नंबर इज़ नथिंग गाइस, इट्स जस्ट लाइक ऐसे समझ लो आपका पासपोर्ट ही हो गया, या फिर यहाँ की आईडी हो गया ऐसे समझ लो। अगर वो आईडी किसी के हाथ लग गई तो वो मिसयूज भी कर सकता है ना। तो वो सिन नंबर सिर्फ आपके एम्प्लॉय, मतलब आप पार्ट टाइम वगैरह करते हो तो उसी के साथ शेयर करना चाहिए, बाकी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहिए। तो ये हो गया अपना सिन नंबर का, और भैया CIBC का काम तो हुआ नहीं। अब सिम का क्या हुआ, मैंने वो वाली पोस्ट पेड क्यों नहीं ली जो $55 में 20 GB दे रही थी, और प्रीपेड लेनी पड़ी मेरे को $55 में सिर्फ 12 GB। वो मैं आपको वहाँ पीछे चल के बताता हूँ। वहाँ देखो यहाँ का पहले आप लुक देख लो, बहुत ही भयंकर लुक आ रखा है। और ये बैरी अगर आपने देखा हो तो देखो वहाँ पे चक्कू जैसा कुछ लटक रहा है। तो वहाँ चल के बात करते हैं, और थोड़ा वो तालाब का व्यू भी दिखा देता हूँ आपको। ऐसा कुछ यहाँ का व्यू दिख रहा है, रोड वगैरह, और वो देखो बड़ा सा एच लिखा है ना, वो स्कोशिया बैंक, उसी के जस्ट पास वाली बिल्डिंग अपनी वो सर्विस कनाडा वाली थी, जहाँ से हमने सिन नंबर लिया। तो चलिए गाइस वहाँ चल के बात करते हैं सिन के बारे में।
हाँ तो गाइस आपको पीछे का व्यू दिख रहा होगा, देखो बहुत बड़ी बड़ी तलवारें थी भाई, हवा से ऐसे ऐसे लहरा रही है, तो मेरे को तो डर लग गया माथे मतलब ऊपर ना गिर जाए, इसलिए मैं दूर आ गया हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सिम की। सिम लेने गए तो भैया सारी बेल, फिडो, वर्जिन और बहुत सारे जितने भी ब्रांड आपने वीडियो में देखे वो सारे लोग 67 to 70 डॉलर चार्ज कर रहे थे 20 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का, और इंडिया कॉलिंग उनमें से किसी में नहीं था, सिर्फ वर्जिन और फाइडो में था 1000 मिनट, बाकी सब लोग 10-10 डॉलर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे पर मंथ का इंडिया में अगर आपको कॉल करना है। तो भैया अपने पास दो ऑप्शन बचे थे, फाइडो और फाइडो का प्रीपेड, और एक बचा था रॉजर का पोस्टपेड। तो रॉजर के पोस्टपेड में अपने को मिल रहा था 55 डॉलर में 20 GB और अनलिमिटेड कनाडा कॉलिंग, और ये मिल रहा था। और फाइडो में अपने को मिला प्रीपेड में 55 डॉलर में 12 GB मिला सिर्फ और अनलिमिटेड कॉलिंग। लेकिन मैंने जब रॉजर के यहाँ पे जाके बोला कि भैया ठीक है ये सिम दे दो, तो वो बोला कि आपके पास जो स्टूडेंट का आईडी कार्ड मिलता है ना आपको कॉलेज से वो लेके आओ। वो मेरे पास था नहीं, 10-15 दिन बाद मिलेगा जब कॉलेज ओपन होगा तब। तो मैंने सोचा कि अभी इनिशियली क्या करते हैं कि फाइडो वाला सिम ही ले लेते हैं, और फिर फाइडो का ही सब ब्रांड है वो रॉजर जो भी है, भैया ब्रांड का नाम मैं भूल चुका हूँ आई थिंक, क्योंकि इतने ब्रांड देखे ना नाम ही याद नहीं आ रहे। तो फाइडो वाले ने बोला वो हमारा ही रीब्रांड है, तो मैं है ना आपको पोस्टपेड में कन्वर्ट करके दे दूंगा उसी प्लान में 55 डॉलर 20 GB में, जब आपके पास आईडी कार्ड आ जाए तो आप आ जाना पोर्ट कराने के लिए और उसका एक भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ये हो गया अपना सिम का काम, सिम नंबर का काम भी हो गया, और मुझे यहाँ पे सामने एक CIBC का ब्रांच और दिख रहा है, वहाँ पे जाके बात करता हूँ। अगर आज ही अपना GIC वाला अकाउंट भी खुल जाता है तो वो भी डाल देता हूँ ब्लॉग में, नहीं तो अपने बस लेके यहाँ से चलेंगे घर पे। हाँ तो गई CIBC का काम हो चुका है, और वहाँ पे कैसे क्या हुआ बताता हूँ। अपॉइंटमेंट अपन ने लिया नहीं था, अंदर गए वो एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है क्या, मैंने बोला नहीं लिया है, तो बोलती है अच्छा ये दो लोग बैठे हुए हैं इनके बाद आपका नंबर आएगा। तो फिर भैया आधा लगभग एक घंटा मैं वहाँ पे बैठा, तो गाइज उन्होंने मांगा मतलब मेरा नंबर आया, और उन्होंने बोला कि आप एक स्टडी परमिट दीजिए, और फिर आप दीजिए पासपोर्ट, और आप सिम नंबर दीजिए। तो फिर मैंने बोला कि सिम नंबर मेरे को अभी जस्ट मिला है, तो उसने बोला ठीक है दे दीजिए। मैंने फिर लास्ट में उससे पूछ लिया कि अगर किसी के पास सिम नंबर नहीं है तो फिर क्या कैसे क्या सिस्टम रहेगा, उसने बोला तो हम अकाउंट तो खोल देंगे लेकिन फिर हम वापस उसको कॉल करेंगे कि आप सिम नंबर अपडेट करने के लिए आओ ऐसा। तो फिर ऐसा रहता है, अपने सिम नंबर लेके जाना है, पासपोर्ट लेके जाना है, और स्टडी परमिट लेके जाना है, और वेलकम लेटर भी लेके जाना है CIBC से, आपसे जो आपको जो मिला होगा वेलकम लेटर वो भी लेके जाना है। तो आप तो एक काम करना पूरी फाइल लेके चले जाना भैया, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए कॉलेज का ऑफर लेटर वगैरह वगैरह सब कुछ जो जो चाहिए वो मांग लेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले, इसलिए फाइल रेडी रखनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सिस्टम समझा दिया कि डेबिट कार्ड दिया है एक, और डेबिट कार्ड कल या परसों तक एक्टिवेट हो जाएगा, अपने जो 2000 जो भी डॉलर आने होते हैं फर्स्ट बार वो आ जाएंगे उसके अंदर। डेबिट कार्ड से आप अपना मतलब अपने इंडिया में सेविंग अकाउंट होता है उस टाइप का, जिसको चेकिंग अकाउंट बोलते हैं यहाँ पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो डेबिट कार्ड से। और एक क्रेडिट कार्ड आएगा तो आपको है ना एक एड्रेस चाहिए होगा, और Airbnb का एड्रेस नहीं चलेगा गाइस, Airbnb का एड्रेस नहीं चलेगा, आपके दोस्त का एड्रेस दे दो चाहे कोई भी एड्रेस दे दो, वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर होगा। तो 7 या 8 दिन में मैंने मेरा दोस्त का एड्रेस दे दिया है, वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा और उससे मैं ले लूँगा। और आप अगर यहाँ पे अकेले आते हो तो भैया अकोमोडेशन ढूंढ लो, मैं सच बता रहा हूँ बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड किसी के हाथ लग गया तो भैया क्या पता क्या हो जाए। तो ऐसा रहा अपना सिस्टम, ये सारी चीज़ें उसने मांगी, और फिर एक वो साइन करने वाला बोर्ड था उस पर 2-3 बार साइन करवाया उसने, और फिर उसने समझा दिया कि 2-3 टाइप के क्रेडिट कार्ड है, किसी में कैशबैक वाला सिस्टम है, किसी में पॉइंट वाला सिस्टम है, लेकिन कैशबैक को आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल्स पे कर सकते हो, ऐसा सब कुछ समझाया। तो फिर जो बेटर ऑप्शन था वो अपन ने ले लिया, और ऐसा है बस CIBC का अपना अकाउंट था। आई होप स्कोशिया बैंक में भी यही सीन रहता होगा सारा सब कुछ, क्योंकि काम तो एक ही है भैया, खोलना तो उनको वही है अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट भी होता है ना इंडिया जैसा, लेकिन गाइस उसमें क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड अगर सेविंग अकाउंट पे यूज़ करते हैं तो उसमें है ना पर ट्रांजेक्शन $5 ऐसा कुछ फीस रहता है।
तो उसने बोला कि आप चेक इन अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में कभी भी मनी इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो आपका मर्जी से। तो हम क्या करेंगे, हमेशा चेक इन अकाउंट में अपने पैसे रखेंगे और उससे जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब कुछ उसी से करेंगे ताकि अपना ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगे। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना दोस्त हमको उठाने आएगा कार से, यहाँ से चलेंगे घर पे।